नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हमारे केडीए चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐतिहासिक स्थलों और कार्यक्रमों को दिखा रहे हैं, आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को आपको दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं अपने सहयोगी गुलाब प्रजापत के साथ सालासर धाम। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन आपको आज मैं विश्व के सबसे बड़े श्राद्ध के दर्शन करवाता हूँ। इतना बड़ा आयोजन श्राद्ध का आपने कभी नहीं देखा होगा। यह है सालासर धाम, बालाजी धाम में संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध। आज पिछले 266 वर्षों से यहाँ पर श्राद्ध का आयोजन किया जाता है पुजारी परिवार द्वारा। विश्व में इतना बड़ा आयोजन श्राद्ध का कभी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए इस दिव्य श्राद्ध का हम दर्शन भी करते हैं और संत शिरोमणि मोहनदास जी का भी दर्शन करते हैं। ये सालासर बालाजी का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम सालासर दरबार को दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की तपस्या से ही प्रसन्न होकर, उनके वचनों में बंध कर ही बालाजी महाराज यहाँ पर सभी के लिए अवतरित हुए, मूर्त रूप में यहाँ पर प्रकट हुए और स्थापित हुए। आइए हम संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल का भी दर्शन करते हैं और इस विश्व के सबसे बड़े श्राद्ध और सबसे बड़े आयोजन का हम अवलोकन करते हैं और जानते हैं क्या है इसकी विशेषताएं। आइए हम दर्शन करते हैं संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की, उस अखंड धुने की, उस जगह की जहां पर मोहनदास जी महाराज बैठकर तपस्या किया करते थे। इस धुने की भी अपनी महिमा है। यहां पर जो भी श्रद्धालु आते हैं इस धुने पर फेरी लगाते हैं और जो यहां की भभूत होती है वो अपने मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं कि ये भभूत एक औषधि का काम करती है, इससे कई असाध्य रोग भी ठीक होते हैं ऐसा माना जाता है। लोगों की इसमें एक गहरी श्रद्धा और आस्था है। आज लगभग 266 वर्षों से ज़्यादा समय से यह अखंड रूप से धुना उसी तरह अभी तक जल रहा है। यह मोहनदास जी महाराज की कुटिया का दृश्य है, जहां पर मोहनदास जी महाराज की प्रतिमा मूर्ति रूप में लगाई गई है। मोहनदास जी महाराज यहाँ ही बैठ कर ध्यान किया करते थे और अपनी तपस्या किया करते थे। इनके पास में ही बालाजी महाराज की प्रतिमा भी लगाई हुई है। यह आप देख रहे हैं मोहनदास जी महाराज की कुटिया का दृश्य है, जहाँ पर मोहनदास जी महाराज ने लंबे समय तक तपस्या की और उनके वचनों में बंध कर ही श्री हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज के रूप में यहाँ मूर्त रूप में विराजमान हुए। यह संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की कुटिया का दिव्य दृश्य है, जहाँ पर सभी भक्त आज विशेष रूप से और बाकी जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं बालाजी महाराज के दर्शन हेतु, वो मोहनदास जी महाराज की कुटिया का भी दर्शन अवश्य करते हैं और इस धुने का भी अवश्य दर्शन करते हैं और फेरी लगाते हैं, यहाँ की बबूत को माथे के लगाते हैं। यह है मोहनदास जी की कुटिया का दृश्य है, जहाँ पर मोहनदास जी महाराज ने अपने जीवन पर्यंत तपस्या की। संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज का पावन श्राद्ध है, इस उपलक्ष्य में आज भी पुजारी परिवार द्वारा बाल देने का रिवाज है। उनकी श्रद्धा में आज भी अनवरत इतने वर्षों से पुजारी परिवार द्वारा अपनी श्रद्धा प्रकट की जाती है और श्री मोहनदास जी महाराज के चरणों में उनकी श्रद्धा स्वरूप बाल दिए जाते हैं। तो एक भक्त हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी परिचय जानना चाहूँगा। मैं बम्बई से आया हूँ और स्पेशल श्राद्ध के लिए आया हूँ। मेरे को करीबन 35 साल हो गए श्राद्ध में आते हुए। ये श्राद्ध खाने से साल भर की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि उनको कोई भी पेट संबंधी बीमारी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं बालाजी की तरफ से बोल रहा हूँ, जो ये श्राद्ध खाता है एक साल की तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि पेट में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है इसे और इसको प्रसाद के रूप में माना जाता है, श्राद्ध के जो भोजन किया जाता है। और ये शायद मैं ये कहूँगा कि दुनिया का शायद सबसे बड़ा आयोजन श्राद्ध का होगा। और यहाँ से जो प्रसाद लेके जाते हैं घर पे साल भर तक रखते हैं, साल भर तक कोई कमी नहीं आती, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और कोई प्रकार की बीमारी हमारे आज तक नहीं हुई है प्रसाद पाने से। बिल्कुल, बहुत बड़ी श्रद्धा है मोहनदास जी महाराज में सभी की। कहना चाहूँगा आज चूंकि मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध है और यह एक बहुत बड़ा आयोजन है, यहाँ मंदिर में बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है और लगभग कहते हैं यहाँ करीब 40 से 50 हज़ार की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है और सभी यहाँ पर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बहुत ही पुजारी परिवार द्वारा आज 265 सालों से ज़्यादा समय से यहाँ श्राद्ध का आयोजन ये किया जाता है। मोहनदास जी महाराज का ये श्राद्ध यहाँ किसी प्रसाद से कम नहीं है। एक और श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो अपने परिवार के सहित यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, आप कहाँ से हैं पहले तो? हनुमानगढ़, राजस्थान से। आप यहाँ श्राद्ध मोहनदास जी के साथ स्पेशली यहाँ आए हैं या बालाजी महाराज? बालाजी महाराज के दर्शन के लिए भी और स्पेशली मोहनदास जी के श्राद्ध के हिसाब से आए हैं। तो श्राद्ध के प्रति आपका क्या ऐसी श्रद्धा है, क्या ऐसा कारण है?
देखो ये मानना है कि इस श्राद्ध के प्रसाद से लोगों के दुख दूर होते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। अंदर का दृश्य है जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही जुट रहे हैं और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का आने का ये सिलसिला पूरे दिन भर चलता रहेगा। वैसे तो यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन आज एक विशेष आयोजन है, विशेष कार्यक्रम है, मोहनदास जी महाराज, संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का उपलक्ष्य है। यहाँ मंदिर का आप अंदर का दिव्य दृश्य देख सकते हैं। यहाँ अंदर पावन राजस्थान की माने जाने वाली खेजड़ी का वृक्ष भी लगा हुआ है, यह भी यहाँ राजस्थान में देवतुल्य माना जाता है। श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ यहाँ चल रही है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग कोने से यहाँ श्रद्धालु पधारते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हम संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर मोहनदास जी महाराज ने जीवंत समाधि ली थी। और ये समाधि स्थल का आप दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर आज चूँकि आज ही के दिन मोहनदास जी महाराज ने यहाँ समाधि ली थी, तो इस समाधि स्थल की दिव्य सजावट यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक पर्व की तरह यहाँ मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध के अवसर को मनाया जाता है और दूर दूर से समूचे उत्तर भारत और बल्कि पूर्ण भारत से यहाँ श्रद्धालु पधारते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अंदर की और दिव्य सजावट आपको दिखाते हैं। यह देखिए, यहाँ पूरी तरीके से भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। चूंकि आज मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध का अवसर है, तो सभी आज मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल पर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। जी मोहनदास जी महाराज ने आज ही के दिन समाधि ली थी और आज सभी भक्त यहाँ समाधि स्थल पर आना चाहते हैं और आज के दिन यहाँ पर पधारकर और यहाँ का दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का अपना एक महत्व है। क्योंकि यहाँ बालाजी महाराज की जितनी महिमा है, उस महिमा के पीछे मोहनदास जी महाराज की तपस्या छुपी हुई है और संत का एक बहुत बड़ा आदर है हमारे हिंदू और सनातन संस्कृति में। संत समाज का को प्रणाम करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भक्तों की सुबह से ही भारी भीड़ है। लगातार यहाँ भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ हमारे सामने एक भक्त और मौजूद हैं जो यहाँ लगातार वर्षों से पीढ़ियों से यहाँ आते हैं। मैं क्योंकि इनकी उम्र अभी भक्ति काल की नहीं है, फिर भी इनकी जो भक्ति है, मैं उनसे जानना चाहूँगा उनका कारण कि आप यहाँ पर क्यों आते हैं और क्या श्रद्धा छुपी हुई है इसके पीछे। देखिए, आज मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि मोहनदास जी का श्राद्ध है और ये विश्व का, जैसा कि इन्होंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा श्राद्ध है और इसकी महिमा तो अपरंपार है ही। मतलब श्राद्ध में ये प्रसाद लेने से आत्मा है वो तृप्त हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और उसको अगर संतोष अगर पाना है तो बालाजी के मोहनदास जी के श्राद्ध जरूर यहाँ पर आए और ये जरूर लें और बहुत ही बड़ा इसमें आनंद महसूस होता है हमें। हाँ जी, मैंने एहसास किया है, मैं यहाँ यही मेरी जन्मस्थली और मैं हर साल यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करती हूँ और अभी भी मैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ से बहुत आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। यहाँ पे हर आदमी यहाँ बहुत दूर दूर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, मैं अभी प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ तो उत्तराखंड से एक आदमी आया था यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो आज की बात नहीं है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग, वहाँ सामने भी बहुत ज़्यादा भीड़ आया, दर्शन की भी बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई है। तो जय श्री बालाजी की, जय श्री मोहनदास जी महाराज। यह मोहनदास जी महाराज की समाधि का स्थल है जहाँ पर मोहनदास जी महाराज ने जीवंत समाधि ली थी और आप देख सकते हैं कि आज इस समाधि स्थल को दिव्य रूप से सजाया गया है। अलग अलग तरह के फूलों से यहाँ सुगंधित किया गया इस पूरे स्थल को और पूरी तरह से सजावट, दिव्य सजावट की गई है। आज के दिन इस स्थली का दर्शन करने का एक अपना महत्व है और ये वही जगह है जहाँ पर संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज ने जीवंत समाधि ले ली थी और यहाँ पास ही में कानीबाई उनकी बहन की भी समाधि स्थल है। दोनों ही समाधि स्थलों को आज दिव्य रूप से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर फूलों की सजावट है, जहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है और लगातार भक्तों का आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू है। आज के दिन इस समाधि का और भी विशेष महत्व है। मोहनदास जी महाराज की दिव्य तपस्या से ही प्रसन्न होकर उनके वचनों में बंधकर हनुमान जी महाराज यहाँ पर मूर्त रूप से स्थापित हुए और भक्तों के दर्शनार्थ हमेशा यहाँ उपलब्ध होते हैं। यह मोहनदास जी महाराज का वो चित्रण है जहाँ बालाजी महाराज ने, हनुमान जी महाराज ने उनको दर्शन दिए। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने एक साधु के वेश में सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज ने मोहनदास जी को दर्शन दिए थे और उसी रूप में मोहनदास जी महाराज के आत्मा में घर कर गया और उसी रूप में फिर हनुमान जी महाराज मूर्त रूप में यहाँ आकर विराजमान हुए। इसका एक चित्र भी यहाँ लगाया गया है।
आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको दुनिया के सबसे बड़े श्राद्ध के दर्शन करवा रहे हैं। वैसे तो हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में श्राद्ध की अपनी एक महिमा है, सभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन यह संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज का सालासर का श्राद्ध है जिसकी अपनी एक अलग ही महिमा है, जहां इतना एक भव्य आयोजन पुजारी परिवार द्वारा किया जाता है और पूरे देश से यहां श्रद्धालु पधारते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु भक्त हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय जानना चाहूंगा। मैं दिल्ली से आया हूं, अरविंद कुमार गुप्ता। अरविंद कुमार जी, आप वैसे तो आज मोहनदास जी का श्राद्ध है वो सभी जानते हैं, लेकिन श्राद्ध की एक अपनी एक महिमा होती है, आज की युवा पीढ़ी को अगर देखा जाए तो वो उस चीज़ को थोड़ा कम ले रही है, उतनी गहराई से नहीं लेना चाहती, लेकिन इसके पीछे क्या धारणाएं हैं और क्यों श्राद्ध करना आवश्यक होता है? श्राद्ध हमारे आजकल के कल्चर में नए लोग भूलते जा रहे हैं, इसका बहुत महत्व है, इसको को लोगों तक पहुंचाना चाहिए इस बात को, और पितरों का इससे तर्पण होता है और हम उनको मान सम्मान देते हैं, हमारा वंश वृद्धि होता है इससे, और इसके करने से जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ प्राप्त होती है, हर इंसान को करना चाहिए, ये मेरा संदेश है। बिल्कुल, हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो वृद्धि है, हमारा जो विकास है, वो इसी रास्ते से आया है। उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सभी भक्त यहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं और प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। सुबह से ही यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है और यहां पर मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करने का अपना एक महत्व है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा श्राद्ध है, इस श्राद्ध का ये भव्य आयोजन यहाँ शुरू हो चुका है, भारी संख्या में यहाँ भक्त जुटने लगे हैं और पूरे पुजारी परिवार द्वारा यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने का अपना एक महत्व है। सभी बढ़ चढ़कर इस प्रसाद के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। मोहनदास जी महाराज का ये श्राद्ध एक औषधि से कम नहीं है, यहाँ पर अलग अलग लोगों की श्रद्धा और धारणाएं जुड़ी हुई है और कहते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति निरोग रहता है। यहाँ सुबह से ही इस भव्य आयोजन की शुरुआत हो चुकी है, ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भव्य व्यवस्था की गई है प्रसाद की। ये मोहनदास जी महाराज का प्रसाद के रूप में, श्राद्ध के रूप में यहाँ पर ये हलवा और प्रसाद बनाया गया है जो सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। लगभग यहाँ 40 से 50 हज़ार की संख्या में श्रद्धालु यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं और लगभग इतनी संख्या में यहाँ से लोग प्रसाद लेकर अपने घरों को भी जाते हैं। यहाँ पर सुबह से ही भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अलग अलग दूर दूर से यहाँ पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु पधारते हैं। और मैं यहीं पर एक भक्त हैं हमारे साथ, सर आप कहाँ से हैं? बनारस से हूँ मैं। बनारस उत्तर प्रदेश से? जी बिल्कुल। यहाँ पर आज आप मोहनदास जी के श्राद्ध स्पेशली आए हैं? हाँ, उन्हीं के लिए आया हूँ मैं। इसका आपका मतलब क्या कारण है, ऐसी क्या श्रद्धा है? बस श्रद्धा है, आने का एक रहता है कि बाबा का दर्शन भी हो जाता है और साल में एक बार मोहन जी का श्राद्ध करता तो आने का हो जाता है बस। बिल्कुल, यहाँ श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करने का कहते हैं एक अपना एक महत्व है, आप क्या महत्व मानते हैं इसका? श्रद्धा को कोई अंत नहीं होता, श्रद्धा श्रद्धा है, आप जितना कर लो उतना कम है। बिल्कुल, श्रद्धा पे कोई सवाल नहीं होता, आस्था ही भक्ति का दूसरा रूप है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में पधारे हुए हैं और एक भव्य आयोजन यहाँ पर चल रहा है जिसमें सभी संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ आसपास के गांवों सहित पूरे राजस्थान, बल्कि पूरे उत्तर भारत, पुल के पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ पर पधारते हैं और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और दूर दूर से आए हुए सभी श्रद्धालु यहाँ अपनी सेवा भी देते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है, एक भव्य आयोजन होता है। ऐसा आयोजन आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि श्राद्ध के लिए इतना बड़ा आयोजन कहीं पर होता हो। एक आस्था की औषधि है ये प्रसाद। अभी हमारे साथ में है आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी। मैं आदरणीय पुजारी जी से ये जानना चाहूँगा कि सर, ये मोहनदास जी का जो श्राद्ध का उपलक्ष्य है, ये कितने समय से यहाँ पर किया जा रहा है और इसकी क्या महिमा है? मोहनदास, महात्मा मोहनदास जी महाराज का जो ये श्राद्ध है, ये 266वां श्राद्ध है। ये
भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे बड़ा श्राद्ध जो है ये यहाँ पे मनाया जाता है। और मोहनदास जी महाराज की श्राद्ध की इस जो हलवे की ऐसी मान्यता है कि जो भी आदमी ये हलवा लेता है प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है उससे पूरे रोग दोग सब दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है लोगों की। इसलिए यहाँ पे तकरीबन आज 85 मन सूखे आटे का जो हलवा बना है उससे 6 गुना इसका वजन होता है और इसे तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे आज प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद में पूरे सालासर गांव में जितने भी ग्रामवासी हैं उनको प्रसाद के रूप में घर घर जाके वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि यह हर वर्ष ये संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती ही जा रही है। जैसा पुजारी जी ने अभी बताया कि लगभग 70 से 80 हज़ार की संख्या में यहाँ श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद उसके बाद में वितरण भी किया जाता है सब जगह। जो प्रसाद अपने घर ले जाना चाहता है कोई भी यात्री तो लेके जा सकता है। ये मतलब पुजारी परिवार द्वारा ही आयोजित होता है ये कार्यक्रम? ये पुजारी परिवार द्वारा, बालाजी मंदिर द्वारा ही, क्योंकि महात्मा मोहनदास जी महाराज जो थे इस मंदिर के संस्थापक थे और हमारे मामा थे, पूर्वजों के हमारे मामा थे, अपनी बहन के पास जो कानी दादी थी उनके पास रहते थे। वैसे आज कानी दादी का भी वो श्राद्ध दिवस है और महात्मा जी ने यहाँ पे जीवन समाधि ली थी इसलिए महात्मा जी का भी श्राद्ध साथ में 13 के दिन। ये देखिए श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पधारते हैं और यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद का अपनी एक महिमा है और अभी हमने पुजारी जी से भी जाना इस आयोजन के बारे में कि आयोजन लगातार 266 वर्षों से अनवरत चल रहा है और लगातार यहाँ भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा श्राद्ध का आयोजन आप देख रहे हैं सालासर की पावन धरा से। आज परम सौभाग्य की बात है कि परम आदरणीय बहुधाम के परम संत श्री रतिनाथ जी महाराज हमारे सामने हैं, यहाँ पधारे हुए हैं। हम उनसे भी बालाजी महाराज की महिमा में आशीर्वाद स्वरूप हम सब के परम आदरणीय श्री महावीर जी पुजारी आज सौभाग्य से हमारे साथ हैं। वो भी इस आयोजन स्थल में व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं कि ये श्राद्ध की क्या महिमा है और कितने समय से ये किया जा रहा है। और इसके ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करने से ये एक औषधि का काम करता है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब से महात्मा मोहनदास जी समाधिस्थ हुए हैं तो उसके बाद से उनके जो समाधि दिवस के ऊपर ये आयोजन होता है जो श्राद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण ये था कि उनकी बहन और हमारी दादी जो कानी दादी थी उनका स्वर्गवास इसी रोज 13 के रोज हुआ था, तो महात्मा मोहनदास जी ने ये जो जीवित समाधि ली उसी 13 के रोज या जीवित समाधि ली। तो 1852 में जीवित समाधि ली थी, तब से ये जो है श्राद्ध बराबर बराबर आज तक होता आया है और बराबर हो रहा है। और इसके लिए जो लोग श्रद्धालु या प्रसाद लेने के लिए आते हैं उनका तात्पर्य सीधा भावना से जुड़ा है, बाकी इसका ऐसा कोई है नहीं। जैसा कि आप हमें ये पूछना चाहते हैं कि इसका क्या है, ये आप जानते हैं कि सालासर तो पूरे हिंदुस्तान में एक आडम्बर विहीन स्थान है, यहाँ किसी तरह का आडम्बर है ही नहीं, यहाँ तो भक्त और भगवान का सीधा संबंध है। हमारा जो ये श्राद्ध का प्रश्न है वो ये है कि हम तो महात्मा मोहनदास जी के श्राद्ध दिवस के रूप में इसको मनाते हैं और इसको महाप्रसाद समझ करके ही ग्रहण करते हैं, ये भक्तों की आस्था है। जैसे हनुमान जी सालासर है तो साक्षात हनुमान जी मानते हैं, तो उनको जो यहाँ आने वाले वो अपने किसी मनोकामना के लिए, किसी कष्ट के लिए, किसी संकट के लिए कैसी भी धावना करते होंगे, तो हमारा तात्पर्य ये नहीं है। हमारा तात्पर्य ये है कि भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और जीवन धन्य करते हैं, क्यों साक्षात हनुमान जी है। वैसे ही जो ये प्रसाद है वो सिर्फ और सिर्फ भावनागत बात है, ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं है कि इसको लेने से वो कष्ट कट जाएगा, संकट मिट जाएगा,
हम तो सिर्फ इसके प्रति श्रद्धा है कि उस परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय महात्मा मोहनदास जी के श्राद्ध का ये प्रसाद है जिन्होंने हनुमान जी से साक्षात्कार किया और मूर्ति स्वरूप सालासर में स्वयं को विराजमान किया। उस महान संत की आज जो पुण्य तिथि है और उसके ऊपर ये दिवस मनाया जाता है तो कितने श्रद्धालु जो आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी हमने जो प्रसाद बनाया है कल सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और प्रातः आज सुबह 6 बजे तक इसका जो बनाया गया इसमें 100 जो हस्तसिद्ध कारीगर लगे हुए थे और अभी देख रहे हैं आप 150 पुरस्कार इसमें भोजन करवाने के लिए लगे हुए हैं। तो 1 लाख लोग के लगभग ये प्रसाद है। हमारा मानना है 50 से 60 हजार या तो श्रद्धालु बैठ करके ग्रहण करेंगे, बाकी प्रसाद ले जाएंगे और परंपरागत अनुसार हमें पूरे कस्बे में ये प्रसाद वितरण करना पड़ता है। तो इसलिए प्रत्येक घर में हम जो है प्रसाद पहुंचाएंगे, सालासर के जितने भी वासिंदे हैं उन सब के लिए ये करेंगे। तो इस तरह ये उत्सव मनाया जाता है यहाँ। तो इस उत्सव की वजह आप देख रहे हैं कि यहाँ जो इतना बड़ा प्रोग्राम है वो हम चार जगह कर रखे हैं और चार जगह इतनी भीड़ और इतने ही है जिसके लिए 150 तो पुरस्कारें लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये अगर कहा जाए कि विश्व का शायद सबसे बड़ा श्राद्ध का कार्यक्रम हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ में मैं आपसे एक ये भी जानना चाहूंगा कि आज जो युवा पीढ़ी है सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन श्राद्ध और के महत्व को शायद समझने में कमी कर रही है। आपके मैं माध्यम से ये जानना चाहूंगा और आप ये चैनल के माध्यम से बताएं कि आज जो बच्चे हैं उनको ये बताएं कि हमें अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध हम करते हैं इसका क्यों महत्व होता है और क्यों करना चाहिए हमें। देखिए ये जो बात है ना ये तो पौराणिक बात है और हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म बोलते हैं ये सनातन धर्म की बात है। ऐसे महापुरुषों के लिए तो मैं नहीं कहता, बाकी मैं ये सभी के माता पिता भी महापुरुष ही होते हैं, सबको करना चाहिए। अपने करने का मेन मकसद ये है कि आज जो श्राद्ध दिवस मनाते हैं उन पितृस्वरूप को उनसे तृप्ति होती है, इसलिए इसका महत्व की तर्पण करके श्राद्ध मनाया जाए और भोजन करवाया जाए तो उन पितरों को जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो शास्त्र का अनुसरण करने वाले हैं उनको चाहिए कि अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनकी स्मृति में ऐसा करना अनिवार्य है। ताकि क्या है, संतान हिंदू धर्म में संतान की उत्पत्ति का मान्य यही है कि हमारा पिंडदान करे और हमारा श्राद्ध करे ताकि पूर्वजों को पानी मिले, उसको अन्न मिले, ऐसा उल्लेख है हमारा, ऐसा हमारा शास्त्र मानते। तो हम जो धर्मपरायण व्यक्ति हैं और हम क्या हिंदुस्तान के हिंदू वो तो है करते, बाकी तो आप समझते हैं कि युवा पीढ़ी में ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी मेरे हिसाब से भ्रमित नहीं है, वो अलग बात है कि आज के ज़माने में उनको जीना है, आज के लायक बनना है और अपने को खुशी भी होनी चाहिए कि हमारे युवा जो हैं, क्योंकि उनको संसार से कंपटीशन करना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी परंपरा से अनभिज्ञ हो जाए या उनसे मुंह मोड़ ले, उनका अनुसरण करते हुए दुनिया से टक्कर लेनी है हमें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश दिया पुजारी जी ने कि हमें अपनी परंपराओं का निर्वहन आवश्यक रूप से करना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि इन्हीं परंपराओं से होकर आज हम विकसित हुए हैं। यह है लगातार यहाँ भारी संख्या में भक्तों का आना हो रहा है और जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया भी था कि करीब 70 से 80 हजार तक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से ही ये प्रसाद का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और शाम तक ये इसी तरह चलता रहेगा। पूरे भारतवर्ष से अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं का यहाँ आना होता है और श्रद्धालु यहाँ पधारकर भगवान बालाजी के दरबार में दर्शन करते हैं और संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करते हैं। विशेष महत्व माना जाता है इस प्रसाद का, आसपास के क्षेत्र और समूचे भारतवर्ष से यहाँ पधारे हुए श्रद्धालुओं का एक भव्य दृश्य आपको दिखा रहे हैं। अब हमारे साथ में है
हमारे आदरणीय पुजारी जी श्री मांगीलाल जी पुजारी, हम उनसे भी आज के इस आयोजन के बारे में जानना चाहेंगे कि संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज का जो ये श्राद्ध का ये जो कार्यक्रम है इसमें किस तरह से कितनी भीड़ होती है, किस समय से हो रहा है, इस आयोजन से संबंधित जो व्यवस्था है उसके बारे में बताएं। जय श्री बालाजी की, जय श्री मोहनदास जी की, जय श्री कानेंद्र जी। आज का दिन हमारे पुजारी परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज के दिन मोहनदास जी महाराज ने यहाँ जीवित समाधि ली, उनका श्राद्ध है। यहाँ का जो प्रसाद कोई भी यात्री ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य की कामना, कोई भी बीमारी या कोई तरीके की सब चीज़ है वो दूर होती है। तकरीबन 50-60 हज़ार आदमी यहाँ प्रसाद लेते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक प्रसाद लेते हैं। आज के दिन केवल 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 सिरे का प्रसाद ही लगता है, सिरे का राजभोग लगता है, न कि कोई रोटी का। हमारे साथ हैं युवा पुजारी श्री राहुल जी पुजारी जो इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम और आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में। जय श्री बालाजी। यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था श्री हनुमान सेवा समिति और पुजारी परिवार और ग्रामवासियों के द्वारा की जाती है। जैसे कि यहाँ 50,000 लाखों की संख्या में यहाँ भक्तगण प्रसाद के लिए भोजन के लिए आते हैं और इसकी पूरी व्यवस्था पुजारी परिवार और हनुमान सेवा समिति करते हैं। यहाँ पे सभी भक्तजन हैं, कम से कम 300-400 भक्तजन लगे रहते हैं जो प्रसाद वितरित के लिए और जो पत्तल वगैरह है, जूठा वगैरह है, उसको उठा के डस्टबिन में यहाँ की सफाई के लिए सब लोग रखते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भीड़ लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है और पुजारी परिवार की तरफ से यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम श्री सालासर बालाजी धाम से संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ हमने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा श्राद्ध का आयोजन होता है जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर भोजन ग्रहण करते हैं और इतने ही हजारों की संख्या में प्रसाद वितरित भी किया जाएगा। मैं कैमरामैन गुलाब प्रजापत के साथ नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।